फ्रेंड्स, फुल मैथ लाइफ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज अपन चक्रवर्ती ब्याज का पार्ट 7 देखने जा रहे हैं। पार्ट 7 में जिस टाइप के अपन क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनमें क्या होता है कि उन क्वेश्चंस में मिश्रधन अलग 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 दो प्रकार का मिश्रधन दिया हुआ होता है और साथ में समय दिया हुआ होता है, तो फिर अपने को दर ज्ञात करना होता है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में अपन जो वीडियो 4 में जो क्वेश्चन पढ़े थे, उनमें जो अपन ने ट्रिक लगाई थी, उसी ट्रिक से अपन ये आज के क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, तो देखो, इसमें वीडियो 4 में जो क्वेश्चन थे और आज के जो क्वेश्चन है, उनमें क्या अंतर है, उसके लिए मैंने पहला क्वेश्चन वीडियो 4 में जिस टाइप के क्वेश्चन पढ़े थे, उसी टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। तो देखो, अपना पहला क्वेश्चन है, 8,000 रुपये की राशि 2 वर्ष में 8,820 रुपये हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर क्या होगी। तो देखो, इसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वीडियो 4 में जाके देखोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। इसकी ट्रिक थी कि मिश्रधन बट्टा मूलधन, ये ट्रिक बताई थी मैंने आपको। तो इसमें मिश्रधन कितना है, 8,820 रुपये, और मूलधन कितना है, 8,000 रुपये। ठीक है, कितना है, 8,000 रुपये। 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, 882, और बट्टे में आ गया 800 रुपये। अब देखो, इसके अंदर फिर ये 2 से कट रहे हैं, तो 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 441/400। ठीक है, अब देखो अपना समय कितना है, 2 वर्ष दिए इसके अंदर, तो ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है। 2 का मतलब इसको अलग है, वर्ग होता है ना, तो ये किसी न किसी संख्या का वर्ग है। किसका वर्ग है, 21/20 का, ये दोनों वर्ग है, तो 21 का हो गया 441, 20 का हो गया 400। अब अपने को दर ज्ञात करनी है, तो जो कोष्ठक के अंदर है उसी संख्या से अपने को लेना है। तो कितना हो गया, 21/20, इसका मतलब हो गया 20 रुपये मूलधन है तो 21 रुपये मिश्रधन है, तो 1 रुपया ब्याज हो गया और 20 रुपया मूलधन हो गया, यानी कि 20 रुपये पे 1 रुपये का ब्याज लगता है, तो 100 रुपये पे कितना ब्याज लगेगा, यानी 100 रुपये पे जितना रुपये ब्याज लगता है वही अपनी दर होती है। ठीक है, तो 1 रुपये पे 20 रुपये का ब्याज लगा, तो 100 रुपये पे कितना लगा, 5 रुपये ब्याज लगा, कितना, 5 रुपये। इसका मतलब दर कितनी आ गई, 5%। ये क्वेश्चन अपन वीडियो 4 में पढ़े थे। ठीक है, वीडियो 4 में जो अपन ने देखे थे, इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे अपन ने। अब अपन देखो, इस वीडियो 4 का जो क्वेश्चन थे और आज के जो क्वेश्चन, उसमें क्या अंतर था, वह भी समझ में आ जाएगा। ट्रिक दोनों में एक ही है, बस यही बताने के लिए मैंने ये इस क्वेश्चन को इस वीडियो में डाला है। ठीक है, तो अपन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 वर्ष में कोई राशि है, वो 3 वर्ष में 6,800 रुपये हो जाती है, और उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से वही राशि 4 वर्ष में 7,480 रुपये हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, दर ही इसी में ज्ञात करनी है, लेकिन अंतर क्या है, उसमें एक समय दिया हुआ था, मिश्रधन दिया हुआ था, मूलधन दिया हुआ था, इसमें क्या है कि 2 मिश्रधन दिए हुए हैं, 2 ही समय दिए हैं। ठीक है, तो दोनों समयों को देखो, सबसे पहले बात आपको याद रखना, जब 2 समय दिए हुए हैं ना इस प्रकार के क्वेश्चन में, तो अपने को क्या करना है कि दोनों समयों का अंतर कर लेंगे, यानी कि 4 वर्ष माइनस 3 वर्ष, तो कितना आ गया, 1 वर्ष आ गया। ठीक है, अब यही अपना समय है ना, तो अपने को 4 वर्ष से मतलब ना 3 वर्ष से मतलब, सिर्फ इन दोनों का अंतर चाहिए अपने को। ठीक है, अब देखो अपने दिमाग में क्या करना है, देखो अच्छे से बैठा लो, क्वेश्चन के अंदर दोनों मिश्रधन नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने दिमाग में बिठा लो कि ये तो मिश्रधन मानेंगे अपन, इसको अपने आप में मूलधन मानकर चलेंगे अपन, और ये अपना समय मानकर चलेंगे, तो हो जाएगा उसके जैसा क्वेश्चन। इसमें ये मूलधन था, इसमें अपन इसको मूलधन मानेंगे, इसमें ये समय था, इसमें ये समय मानकर चलेंगे, इसमें ये मिश्रधन था, इसमें इसको मिश्रधन मानकर चलेंगे। ठीक है, कहने का मतलब कि कोई राशि है, अपने को पता नहीं वो राशि कितनी, वो 3 वर्ष के अंदर 6,800 रुपये हो जाती है, तो 3 वर्ष से पहले क्या थी पता नहीं है, लेकिन फिर 3 वर्ष से अगले जस्ट 4 साल के अंदर, यानी कितनी हो जाती है, 7,480, यानी कि 1 साल के अंदर, पहले 6,800 रुपये थी, फिर अगली 1 साल के अंदर कितनी हो जाती है, 7,480। इसका मतलब ये कोई मूलधन है जो 1 वर्ष में कितना हो जाता है, 7,480 रुपये, ये अपने को मान के चलना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, मिश्रधन बट्टा मूलधन, मिश्रधन कितना है, 7,480 बट्टा मूलधन कितना है, 6,800 रुपये, वर्ष कितना है, 1। तो अब देखो ये किस संख्या का 1 है, यानी 1 की घात लगाने में कोई, जैसे अपन ने यहाँ पे स्क्वायर लगाया था, ये किसका स्क्वायर था, 21 का, तो इसका एक घात 1 लगाने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई मतलब जरूरत नहीं है, तो अपन इसी को ही रखेंगे अपन, जब 1 घात होगी तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये अपना मूलधन हो गया, ये अपना मिश्रधन हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि मूलधन अपना कितना हो गया, 6,800 रुपये, और ब्याज कितना आ गया, 680 रुपये, यानी कि 6,800 रुपये पे 680 रुपये ब्याज आ गया, तो 100 रुपये पे ब्याज कितना आएगा, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। ठीक है, और
सॉरी हजार लग गया, सॉरी यहाँ पे सौ से गुणा करना अपने को, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई, 680 से 680 कैंसिल हो गई, कितना शेष रह गया यहाँ पे 10, तो दर कितनी आ गई 10%। अरे बात समझ में, दर कितनी आ गई 10% अपनी दर आ गई। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या दिया अपने को, 3 वर्ष में कोई राशि है जो 3 वर्ष में 4,000 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 4,410 रुपये हो जाती है, तो चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो अपने को पहले दोनों समय का अंतर करना है, तो 5 - 3 = 2 वर्ष, ये माइंड में भी कर सकते हैं अपन की, दो अपने को समय कितना लेना, दो प्रैक्टिस करेंगे तो देखो ये प्रक्रिया है सर सारी की सारी, जो अपने को एग्जाम में एग्जाम फाइट करने के लिए जरूरत है वो क्या है कि इन चीजों को जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख कर समझा रहा हूँ वैसा आपको वहां लिखने ना पड़े। अगर आप इन चीजों को, इन छोटी छोटी चीजों को आपको माइंड में ही हल करना होगा तभी अपने से एग्जाम फाइट होगी। ठीक है, तभी अपने एग्जाम को फाइट कर पाएंगे। तो अपन तुरंत देख लेंगे 3 वर्ष से 5 वर्ष है, तो अपना मूल टाइम कितना हो गया, इन दोनों का अंतर 2 वर्ष हो गया। ठीक है, अपन जैसे दिमाग में रखेंगे सीधा अपन क्या करेंगे, 4,410 / 4,000। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब अपने को यही दिमाग में आना चाहिए कि 441 किसका वर्ग है, 21 का, क्योंकि दो अपना स्क्वायर स्क्वायर लगाएंगे, इसका मतलब ये किसी न किसी संख्या का स्क्वायर है ये। ठीक है, 400 किसका स्क्वायर है, 20 का, ये बात अपने को देखनी है। ठीक है, दर याद करनी है तो समय का कोई मतलब नहीं है, आप इसको यूं लगाएं या न लगाएं, अपने को तो इसी राशि से मतलब है। ठीक है, तो ये कितनी होगी, 20 रुपये मूलधन और 21 रुपये मिश्रधन, तो 1 रुपया, 1 रुपया ब्याज हो गया कितने पे, 20 रुपये पे, 20 रुपये पे 1 रुपये ब्याज है, तो 100 रुपये पे कितना हो जाएगा, 5 रुपये ब्याज हो जाएगा, यानी कि 5% क्या आ जाएगी, दर आ जाएगी। ठीक है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, अरे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट को देखो अपन अगर करना चाहें तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2 वर्ष 5 वर्ष, तो समय अंतर कितना आ गया, 3 वर्ष, अपने को 3 वर्ष लेना है, कितना आ गया, 9,261 / 8,000 रुपये। ठीक है, ये किस संख्या का क्यूब है वो संख्या अपने को लिखनी है, ये 21 का क्यूब है और ये किसका क्यूब है, ये 20 का क्यूब है। ठीक है, वही बात आ गई, कितना आ गया, 20 रुपये मूलधन 21 रुपये मिश्रधन, तो 1 रुपया किस, 20 रुपये पे 1 रुपया ब्याज हो गया, तो 100 रुपये पे कितना हो गया, ये आ जाएगा 5 रुपये, यानी कि 5% अपनी दर आ जाएगी। तो देखो आसानी से अपन हल कर सकते हैं इन क्वेश्चन को। ठीक है, इसी प्रकार से देखो नेक्स्ट अपना, किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 600 रुपये और 3 वर्ष में 624 रुपये हो जाती हैं, यानी कि किस चक्रवर्ती ब्याज की दर से, दर अपने को स्टार्टिंग में पूछा है देखो इसने, तो कितना आ गया, 2 वर्ष 3 वर्ष, यानी कि अंतर कितना, 1 वर्ष, तो सीधे 1 वर्ष अंतर है, तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये कितना हो गया, 624 मिश्रधन बट्टा मूलधन, यानी 600 रुपये। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर 600 रुपये मूलधन, मिश्रधन कितना है, 24 रुपये, घात एक ही, इसका कोई मतलब नहीं है, तो कितना, 24 रुपये ब्याज और मूलधन कितना आ गया, 600, 600 रुपये पे 24 रुपये ब्याज लग रहा है, तो 100 रुपये पे कितना ब्याज लगेगा, 0 से 0 कैंसिल, 6 चौक 24, यानी कि 4% अपनी क्या जाएगी, ब्याज आ जाएगी। देखो हो रहे ना कितने आसानी से क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, इसमें एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 2 वर्ष में मिश्र धन का अनुपात कितना है, 21 और 20। कहने का मतलब है कि कोई धन है तो ब्याज की दर अपने को ज्ञात करनी है, दर ज्ञात करनी है, तो देखो जब अपने को आंसर प्रतिशत में चाहिए तो दर तो प्रतिशत में ही होता है और दर ही चाहिए अपने को, इसका मतलब आंसर अपने को प्रतिशत में चाहिए, तो प्रतिशत में जब कोई आंसर चाहिए होता है तो जो अनुपात दिए हुए होते हैं उन्हीं को अपन मूल राशि लेके चल सकते हैं। मूल राशि का मतलब है वो धन 2 वर्ष के अंदर तो कितना हो गया, 20 रुपये, और 3 वर्ष के अंदर कितना हो गया, 21 रुपये हो गया, मेरे कहने का मतलब ये था वो। ठीक है, तो देखो दोनों का अंतर कितना है, 1 वर्ष आ गया, और इसमें देखो दोनों का अंतर कितना, 1, यानी कि 1 रुपये ब्याज आ गया, तो ये कितना हो जाएगा, वही बात, चाहे तो इसको यूं लिखो 21 बट्टा 20, या फिर यूं लिखो अपन कि 21 रुपये मिश्रधन 20 रुपये मूलधन, तो 1 रुपये ब्याज है, और कितना मूलधन कितना, 20, यानी कि 20 रुपये पे 1 रुपये ब्याज, तो 100 रुपये पे कितना आ गया, पुनः 5% ब्याज आ गया। ठीक है, तो दर कितनी आ जाएगी, 5%, यानी कि डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आज का वीडियो था, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको पसंद आया है, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, और जो नए फ्रेंड्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और प्लेलिस्ट में जाकर प्रत्येक वीडियो को आप देख सकते हैं, अगर क्रमबद्ध आप प्रत्येक वीडियो को देखेंगे तो आपको 100% कोई भी टॉपिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ये ठीक है, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।